अपनी जान को वतन के लिए कुर्बान करने से न डरने वाले वतन प्रेमियों के बारे में आपने अक्सर इतिहास के पन्नों में ही देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसे देश प्रेमी के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके दिल में भी देश के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। वो वतन प्रेमी कोई और नहीं, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान है, जो भारतीय वायु सेना के एक फाइटर पायलट है। इनका जन्म 21 जून 1983 को तमिलनाडु में हुआ। इनका जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिन्हा कुट्टी वर्धमान है। वो इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल की पोस्ट पर रहे। इनके पिता ने अपने मिलिट्री करियर में 4000 घंटों से अधिक 40 अलग अलग फाइटर जेट्स पर उड़ान भरी। और इतना ही नहीं, इनके पिता ने 1999 के कारगिल वॉर में 2001 के पार्लियामेंट में हुए टेररिस्ट अटैक पर बहुत ही अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए अभिनंदन के पिता को 2001 में इंडियन एयर कमांड का कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। इनके पिता को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। और साल 2012 में इनके पिता ने एयर मार्शल की पोस्ट से रिटायरमेंट ली। अभिनंदन में देश प्रेम की भावना कहीं और से नहीं, अपने पिता और दादा से आई। अभिनंदन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के सैनिक वेलफेयर स्कूल से पूरी की। वहां से उन्होंने 12th क्लास तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद एनडीए के एग्जाम में पास होकर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी से पूरी की। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अभिनंदन ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। अभिनंदन के मिलिट्री करियर की शुरुआत 19 जून 2004 को इंडियन एयरफोर्स में पायलट के तौर पर हुई और इंडियन एयरफोर्स में इनका नंबर है 27981। अभिनंदन के फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने भटिंडा और हलवारा के IAS ट्रेनिंग सेंटर पर अभिनंदन को कड़ी ट्रेनिंग करवाई। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने कई ट्रेनिंग जेट्स पर उड़ान भरी और पूरी तरह से ट्रेन हो जाने के बाद अभिनंदन को 19 जून 2006 फ्लाइट ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनने के बाद अभिनंदन को कई फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे Sukhoi-30 MKI, तेजस, MiG-29 एयरक्राफ्ट पर उड़ान भरी और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अभिनंदन को 8 जुलाई 2010 में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर बनाया गया और अपने प्रमोशन के कुछ सालों बाद MiG-21 बिसॉन के स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया और भारतीय वायु सेना के फाइटर पायलट के लिए ये एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट था जिसको उड़ा पाना बेहद ही मुश्किल काम था। उसके बावजूद भी अभिनंदन ने कुछ ही महीनों के अंदर MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट पर अपनी कड़ी पकड़ बना ली, जिसके लिए उनका प्रमोशन एक बार फिर से 19 जून 2017 को विंग कमांडर के तौर पर किया गया। प्रमोशन होने के बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन उनका फाइटर एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त होने पर 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। उसके बाद अभिनंदन की कई वीडियो सामने आई, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभिनंदन ने कोई भी भारतीय रक्षा संबंधी जानकारी पाकिस्तानी आर्मी को नहीं दी और फिर इंडियन एयरफोर्स, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के कड़े प्रयासों के बाद और इंटरनेशनल दबाव बनाकर पूरे सम्मान के साथ अभिनंदन वर्धमान को भारत की पाक सीमा वाघा बॉर्डर पर 1 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया, जिसके बाद अगस्त 2019 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया और फिर उनकी शादी तन्वी मरवा से हुई, जो एयरफोर्स में ही हेलीकॉप्टर पायलट रही। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।